अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोरोना महामारी से बचने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में 14 से 45 वर्ष तक के लोगों के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की। इसी कड़ी में हिमाचल में भी राजधानी शिमला से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महाअभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के टाउन हॉल से टीकाकरण का महाअभियान भी शुरू किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए महाअभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 25 जून तक हिमाचल प्रदेश के कवायली क्षेत्रों में 100% लोगों को कोरोना वायरस की पहली डोज लगा दी जाएगी। सप्ताह में 3 दिन लगेगी यह वैक्सीन। उन्होंने कहा कि अभी तक यह 42% लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि फिलहाल शहरी क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक है, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में आज से बिना पंजीकरण लगेगी वैक्सीन। हिमाचल सरकार का दावा, वैक्सीन अभियान लगातार जारी रहेगा, हर व्यक्ति को टीका लगाना सरकार की प्रतिबद्धता रहेगी। एक चीज को हमने सुनिश्चित किया है कि जहां शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको अभी तक हमने कायम रखा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस सारी चीज से छूट, यानी कि ऑन स्पॉट जो आएंगे उनको वैक्सीन उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। सर, प्रदेश में कोविड की स्थिति की बात की जाए तो काफी कम केसेस सामने आ रहे हैं और काफी रिकवरी भी है, तो क्या लगता है कि हमारे प्रदेश अब काफी कोरोना से मुक्ति की तरफ जा रहा है? देखिए, पूरे देश भर में कमी है, इसमें नंबर में अगर हम देख रहे हैं कि कोविड के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम इस बात को भी देख रहे हैं कि कमी बहुत धीरे धीरे कम आ रहा है। ये नंबर बहुत ग्रेजुअल स्लोप में, जिसको हम बोल सकते हैं, ये चल रहा है, लेकिन फिर भी सावधानियों के, जैसे मैंने कहा कि उनको करने की रखने की आवश्यकता है। कल हमारी कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक में जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाई हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, उन पर एक बार पुनः विचार करेंगे हालात को देखते हुए। सर, भीड़ बढ़ रही है, कोविड नियमों की सरकार से बात कर रही है, डीजीपी ऑफिस से भी एक तस्वीर आई जहां सुंदर नगर में शिकायत हुई है उसके खिलाफ। चलो, ऐसे बातों को लेकर के हमको सावधानी बरतनी है, मैं इतना ही कहूंगा। थैंक यू। अभी तक कार्यक्रम की उसमें सारी रूपरेखा बन रही है। 23 तारीख को उनके आने की जानकारी मिली है और 23, 24, 25, 26 2 दिन वो सरकारी कार्यक्रम में भी रहेंगे। 23 तारीख को भी एक रिव्यू मीटिंग है और उसके बाद 24 तारीख को भी वो कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। उसकी डिटेल आज शाम तक हमको उपलब्ध होने की संभावना है, जैसे मिलती आपको जानकारी दे देंगे। और जो जानकारी मिली है कि मनाली आएंगे, मनाली में रिव्यू करेंगे, रिव्यू के साथ साथ में जो हमारे नेशनल हाईवे के 4 लेन के प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी रिव्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और जहां कुछ नए चीज़ों को लेकर के कुछ बातें करने की ज़रूरत होगी उन सारी बातों को उनके समक्ष करेंगे। रोहतांग टनल, अटल टनल रोहतांग, वहां भी देखने का उनका कार्यक्रम जाने का है। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।